छात्रों से मेरा अनुरोध है कि पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत के जो नोट्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके इस पर वीडियो पर, उस पर आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट्स भी मिल जाएं। ये देखिए, कोबर का भूसंधान सिद्धांत, होम का सामान्य तरंग सिद्धांत, जेफ्री का तापीय संकुचन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पर्वतों के कालक्रम, आप देख रहे हो इसमें पर्वतों का कालक्रम। पर्वतों के कालक्रम में कैम्ब्रियन युग है, युग के पूर्व में पूर्व के पर्वत है, कैलिडोनियन पर्वत, हर्शियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, इनका निर्माण तथा टर्शरी युग में कौन कौन से का निर्माण हुआ, ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। कोबर के भूसंधि सिद्धांत के नोट्स ये हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझा दिया और आपको ये नोट्स भी इसमें देख रहा हूँ। आराम से आप देखिए, पढ़िए, इसे डाउनलोड करिए और अपने काम में लीजिए। आपके इस चित्र के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसमें फोरलैंड मध्य पिंड और फोरलैंड, ये जो भूसन्नति लिखा हुआ है इसमें, तो भूसन्नति का मतलब होता है अपक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप जमा अवशेष। इसका एक भूभाग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकता है और ये मध्यपिंड ऊपर की ओर उठ जाता है। ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसमें स्थल ये है, स्थल भाग, समुद्र तल, जल, और इसके द्वारा ये जो जमा तलछट है इसके मध्य में, ये जमा तलछट जो मध्य में है ये इसको तलछट कहा गया है, जो पक्षी और अपरदन के परिणाम स्वरूप आया है। अब पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी मध्य पिंड में, और ये इसमें संपीड़न बल इसमें काम क्या कर रहा है, ये संपीड़न बल इसमें काम कर रहा है। संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप ये दोनों भूभाग एक तरफ से दबाव यू दब जाते ही, ये मेरा अंगूठे देख रहे हो वो, इससे ये दबता हुआ भाग ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। जैसे हमारे पास ये कागज़ है, वो तो कागज़ को हम यूँ दबाएंगे क्या होगा, कागज़ ऊपर उठ जाएगा और ये फोल्डेड माउंटेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा आपके। और अब इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो महाद्वीप, महासागर और माउंटेन ये संकुचन से भी बने, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी गर्म थी संकुचन हुआ, संकुचन के परिणाम स्वरूप समन्वय तारा तरंग सिद्धांत आया, और समन्वय तरंग धारा सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी तेज गति से घूम रही थी, अपने अक्ष पे घूम रही थी और बिल्कुल गर्म थी और ठंडी होती गई, तो धीरे धीरे जो संकुचन हुआ उसे वलित माउंटेन उत्पन्न हो गए। तरंग धारा सिद्धांत के अनुसार तो आज हम इतना ही बताएंगे, और ये वो बताएंगे आपको हम इसमें कि जितने भी तटीय प्रदेश है उन सब तटीय प्रदेशों में वलित प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। वलित प्रकार के माउंटेन, वलित का मतलब जानते हो, यू वलन, वलन का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप जितने भी पाप जितने भी आप देखते हो, ये क्या नाम से पहाड़, वो कैसे दिखाई देते हैं आपको,
यूं लहर नुमा दिखाई देती। कोई भी पहाड़ शंकु प्रकार की आकृति का नहीं है, शंकु प्रकार की आकृति का नहीं है, यू फोल्डेड है, यू नहीं है शंकु। क्यों नहीं है? क्योंकि जब संकुचन क्रिया हुई तो पृथ्वी तेज गति से घूम रही थी, उसमें समन्वय तरंग धारा बनी और समन्वय तरंग धारा सिद्धांत के अनुसार संकुचन हुआ और होम से समन्वय तरंग धारा सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि जितने भी वलित माउंटेन उठे हुए हैं ये तटीय प्रदेशों में अत्यधिक माउंटेन पाए जाते हैं। थैंक यू बेटा, दो पार्ट माउंटेन के हो गए आपके लिए, धन्यवाद। कल हम जेपी का तापीय संकुचन सिद्धांत पढ़ाएंगे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ाएंगे। थैंक यू, ओके। अब हम बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आप देखिए, इसमें जो मैं नोट्स बना के लाया हूँ, चित्र बना के लाया हूँ मैं खुद ये, आप इसमें देखिए कि कुनलुन श्रेणियाँ हिमालय श्रेणियाँ, तिब्बत का पठार, अग्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अग्र प्रदेश और गंगा का बेसिन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो जमा तलछट है, तो कोबर मोदे ने तो एक प्रदेश को आगे की सकना बताया, लेकिन जेफ्री ने इसको तापीय संकुचन सिद्धांत के अनुसार अलग तरीके से समझाया है। अब भूषण रहते हैं, हम एक चीज वो लेते हैं इसमें, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है सामने से, ये इसमें अग्र प्रदेश और जलपूर्ण गर्त भूषण नदी ये दिखाई दे रही है, इसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहा है अग्र प्रदेश, और ये अग्र प्रदेश भूषण नदी में तलीय निक्षेप, ये जो बिंदु बिंदु आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये बिंदु बिंदु ये तलीय निक्षेप है। तलीय निक्षेप से तात्पर्य क्या है कि जो कट छट के जमा होता हो, ये तो दूसरी चीज दिखा रहा हूं मैं आपको इसमें, इसमें ये देखिए आप हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत और तिब्बत का पठार, इसमें देखिए आप ये दबाव शक्ति, इसमें क्या पड़ रहा है, यहां से दबाव पड़ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, दबाव शक्ति दोनों प्रकार दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो बीच में जमा तलछट ऊपर की ओर उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, अब हम इसके युग काल की बात करेंगे, कालक्रम की बात करें तो हम इसका कालक्रम इस प्रकार से कहेंगे कि पर्वतों का कालक्रम ये रहा, कैम्ब्रियन युग, कैलेडोनियन युग, हर्सियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत, और इनका निर्माण इस काल में हुआ। तो ये युग लाखों करोड़ों वर्षों के युग होते हैं, इसके चार कालक्रम होते हैं। अल्पाइन पर्वत टर्शियरी युग में होया, हर्सियन पर्वत कार्बोनेसिस पेरिस युग में आया, पार्मियन,
और इनका निर्माण सिल्यूरियन डेवोनियन तथा परमियन में हुआ। तो इस चार कालक्रम के अनुसार हम पर्वत निर्माण को बांट सकते हैं। थैंक यू। अब प्लेट विवर्तन और देव जी का तापीय संकुचन सिद्धांत और होम्स का संबंधित आवर्तन सिद्धांत हम आपको आगे समझाएंगे अगले पार्ट में। आज हम कोबर के सिद्धांत को दो भागों में पूर्ण किया है। थैंक यू।